फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बड़ा ही बेसिक है। विंडोज़ 10 में आप कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप विंडोज़ 7 में कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते थे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है टास्क बार पे और टास्क बार सेटिंग्स में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको थीम्स में चले आना है, थीम्स में क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्यूटर का आइकॉन आपको दिख रहा है, आपको यूजर फाइल्स का आइकॉन दिख रहा है। तो जिस भी आइकॉन को आपको डेस्कटॉप पे एक्सेस करना है, डेस्कटॉप पे लाना है, उसको आपको चेक कर लेना है। जो चेक बॉक्स मैंने दे दिया कंप्यूटर में यूज़र फाइल्स में, तो जिसको भी आपको डेस्कटॉप पे इनेबल करना है उसको आपको चेक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल पैनल में कर रखा, रिसाइकल बिन एंड कंप्यूटर पे कर रखा है। तो कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो कंट्रोल पैनल पे चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल पैनल चेक कर रखा है। अभी मैं अप्लाई करता हूँ एंड ओके करता हूँ। अभी आप देख पाएंगे कि डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिख रहा है। तो कंट्रोल पैनल को एक्सेस करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक तरीका बताया, और जो दूसरा तरीका है मैं यहाँ पे आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो अभी आप देखिए कंट्रोल पैनल पे क्लिक कीजिए, आपको कंट्रोल पैनल यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि आप विंडोज 7 में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि आपको विंडोज़ आर प्रेस करना है, विंडोज़ की एंड आर, तो रन ओपन हो जाएगा। और रन में आपको सिंपली कंट्रोल टाइप करना है, CONTROL, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है, जैसा कि आप विंडोज 7 में इस्तेमाल करते थे। तो इन दो तरीक़ों से आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी आप अगर ये जो माई कंप्यूटर है इसके आइकॉन को चेंज करना चाहते हैं, तो इस आइकॉन को भी आप यहाँ पे बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी भी आइकॉन्स को, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, माई कंप्यूटर, दिस पीसी जिसको बोलते हैं आप, तो इसको आइकॉन्स को आप यहाँ पे बड़े ही आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने ऐप को एक्स्ट्रा दिखा दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पे आइकॉन्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो हो फ्रेंड्स आपको वीडियो आया होगा पसंद, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो ये बड़ा ही बेसिक सा वीडियो मैंने आपको दिखाया, जो कि बहुत लोग सवाल करते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स चैनल्स पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट फ्रेंड्स करते रहिए। अगर आपके कोई बेसिक्स क्वेरीज हैं देन डेफिनेटली पूछना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।